लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। यूपी के पीलीभीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तमाम सख्ती के बाद भी छेड़छाड़ जैसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। पीलीभीत में 24 घंटे के अंदर ही छेड़छाड़ के 3 मामले सामने आए हैं। पुलिस ने तीनों ही मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं घटना में स्कूल से वापस आ रही छात्रा के साथ मनचले ने छेड़छाड़ की। छात्रा के शोर मचाने पर बदमाश भाग गए। वहीं दूसरी घटना में एक अन्य छात्रा ने एक गैर समुदाय के व्यक्ति पर छेड़छाड़ और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया। जब मामले की शिकायत दर्ज करने गए तो थाना प्रभारी ने पीड़िता के परिजनों से कहा कि नए थाना अध्यक्ष के आने के बाद ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। घटना के 3 घंटे के बाद ऊपर पुलिस अधीक्षक रोहित मिश्रा के हस्तक्षेप के बाद थाना पुलिस ने परिजनों की सुनवाई की। वहीं तीसरी घटना में बिलसंडा क्षेत्र में गाँव के रहने वाले रिटायर्ड फौजी की पुत्री ने भी छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। छात्रा ने पुलिस को बताया कि स्कूल से लौटते समय आए दिन कुछ लड़के रास्ते में उसे छेड़छाड़ करते हैं। कई बार पीड़ित परिजनों ने मामले की शिकायत मनचलों के घर वालों से की, लेकिन फिर भी आरोपियों ने अपनी हरकतें बंद नहीं की। छात्रा का आरोप है कि मनचलों की मनमानी के चलते वह स्कूल नहीं जा पा रही है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों के खिलाफ नाम दर्ज मुकदमा दर्ज कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। ऐसे प्रकरण संज्ञान में आए हैं थाना जहानाबाद में और थाना बिलसंडा में। इस पर FIR जो दी गई है तहरीर, उस पर समुचित धाराओं में दर्ज कर ली गई। विवेचना प्रचलित है और अभी गिरफ्तारी के प्रयास इसमें जारी है।